चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 3 करते हैं। इसमें हमें ए बी सी डी एक आयत दिया हुआ है। ए बी सी डी का एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस भुजाओं ए बी, ए बी का मध्य बिंदु क्या है पी है, और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, और सी डी का मध्य बिंदु आर है, और डी ए भुजा का मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है हमें एस दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है, लिखा है दर्शाइए कि चतुर्भुज इससे बनना मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो बनने वाला चतुर्भुज है वो कैसा होना चाहिए, एक समचतुर्भुज होना चाहिए, और समचतुर्भुज के गुण क्या क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। ये भुजाओं के जोड़े भी क्या होते हैं, युग्म क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं, और ये चारों भुजाएं क्या होती हैं लगातार, यानी कि ये आमने सामने की भुजाएं ना कि ये सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसमें हमें दो काम करने होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, और फिर क्या करेंगे इसकी चारों भुजाएं बराबर सिद्ध कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा चतुर्भुज क्या होगा, पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो इसे हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक आयत है, और पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर और एस क्या है, भुजा क्रमशः भुजाओं भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हमने क्या किया है, रचना की है, क्योंकि इसमें हमें विकर्णों का कहीं भी जिक्र नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, जो हमने रचना की है बस वही लिख देंगे। विकर्ण हमने क्या किया है, इसके जो विकर्ण हैं वो बनाए हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी को खींचा या बनाया, खींचा जा अच्छा खींचा खींचा गया है। तो देखिए हमने इस आयत के दो विकर्ण बनाए हैं, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी। तो हम क्या करेंगे, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उससे क्या करेंगे, हम इसकी दो भुजाएं समांतर करेंगे और बराबर भी सिद्ध करेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें यह भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करना है, तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं।
तो देखिए विकर्ण ए सी के दोनों ओर बनने वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिया है तो यहाँ पर मध्य बिंदु को मिलाकर बनने वाला रेखाखंड कौन सा है, पी क्यू है। और यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु फिर में से क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि पी क्यू समांतर होगा। पी क्यू किसके समांतर होगा, विकर्ण ए सी के, यानी कि इस त्रिभुज ए बी सी की जो तीसरी भुजा है ए सी उसके समांतर होगा। तथा और क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय में और क्या होता है, रेखाखंड किसके आधे के बराबर होता है, तीसरी भुजा के, एक बटा दो भुजा ए सी। तो देखिए इससे हमें ये मिल गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इस विकर्ण ए सी के दूसरी ओर बनने वाला त्रिभुज ले लेंगे। यहां हम लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में, इसमें भी हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे हम मध्य बिंदु प्रमेय से, हमें क्या मिल जाएगा, इसमें क्या है, डी ए भुजा पर बनने वाला मिलने वो से दिया गया मध्य बिंदु क्या है ऐसे, और डी सी पर दिया गया मध्य बिंदु आर है। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हमें रेखाखंड कौन सा मिलेगा, एस आर किसके समांतर होगा, तीसरी भुजा ए सी के। तथा और क्या होगा, तीसरी भुजा का आधा भी होगा। तो यहां पर हमने क्या करा है, मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके हमने एस आर ए सी के समांतर निकाल लिया और पी क्यू भी ए सी के समांतर निकाल लिया। तो अगर ये ए सी पी क्यू के भी समांतर है और एस आर के भी समांतर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, पी क्यू किसके, एस आर के भी समांतर होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण एक का नाम दे देंगे और इसे समीकरण दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से हमें क्या मिलता है, पी क्यू भी एस आर के समांतर मिल जाता है। पी क्यू समांतर है एस आर के, क्योंकि ए सी जो है पी क्यू के भी समांतर है और एस आर के भी समांतर है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पी क्यू एस आर के भी समांतर होगा। और इसी प्रकार क्या है, समीकरण एक व दो के क्या है, राइट साइड बराबर है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ा ही गलत लिख गया है, इसमें आएगा एस आर, क्योंकि हमने दूसरे त्रिभुज में बात की है, तो यहाँ पर आएगा एस आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू बराबर होगा एस आर के। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, इस चतुर्भुज की दो भुजाएं पी क्यू और एस आर क्या निकाल ली, आपस में समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, चतुर्भुज
पी क्यू आर एस चाहे एक समांतर चतुर्भुज है। अभी हमने क्या सिद्ध कर दिया इससे, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके हमें क्या है, सारी भुजाएं बराबर सिद्ध करनी होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने ये वाला विकर्ण लिया था, अब क्या करेंगे, हम ये वाला विकर्ण लेंगे और यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इसमें हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय से इसमें हम क्या देखेंगे, पी एस समांतर होगा बी डी के, जो कि इस त्रिभुज ए बी डी की तीसरी भुजा है। किसके समांतर होगा, बी डी के। और पी एस क्या होगा, आधा होगा उसकी तीसरी भुजा के, एक बटा दो गुणा बी डी। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे, बी डी के दूसरी ओर बनने वाले त्रिभुज में हम जाएंगे और वहां भी हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, हम क्या करेंगे, इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा, इसके मध्य बिंदु क्यू और आर एस से जो रेखाखंड बन रहा है वो कौन सा है, क्यू आर है। क्यू आर समांतर होगा बी डी के, और क्यू आर आधा होगा बी डी से। तो देखिए हमने इसे भी क्या करा है, समीकरण तीन व चार का नाम दिया है और हम लिखेंगे समीकरण तीन व समीकरण चार से। इससे हमें क्या मिल जाता है, देखिए पी एस बी डी के समांतर है और क्यू आर भी बी डी के समांतर है, तो क्या होगा, पी एस समांतर होगा क्यू आर के भी, और समीकरण तीन व चार की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, पी एस बराबर क्यू आर। अब देखिए हमें दो भुजाओं के जोड़े क्या मिल गए हैं, समांतर मिल गए हैं। पी क्यू किसके समांतर है, एस आर के, और पी एस किसके समांतर है, क्यू आर के,
और पी क्यू एस आर के बराबर है और पी एस क्यू आर के सम बराबर है, लेकिन ये लगातार चारों भुजाएं आपस में अभी बराबर नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये हमें क्या दिया गया है, एक आयत दिया गया है। तो आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज का क्या होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इससे ए सी बराबर होगा बी डी के, और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण हैं। इसका कारण लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं उसका कारण हमें बताना जरूरी होता है। तो ए सी क्या कर दिया हमने, ए सी बराबर होगा बी डी के। अब देखिए समीकरण एक दो तीन चार में क्या दिया गया है, ए सी बी डी बी डी। तो जहाँ जहाँ भी ए सी है हम या तो बी डी लगा दें या ए सी लगा दें बी डी की जगह, तो हमें क्या मिल जाएगा वो, तो देखिए समीकरण एक समीकरण दो समीकरण तीन तथा समीकरण चार से हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू बराबर हम क्या लगा दें, एक बटा दो बी डी। बस हाँ समीकरण दो में ही लगा दें, क्योंकि वहां तो हमने बी डी है ही हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण दो में भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस आर बराबर एक बटा दो बी डी। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, इनकी राइट साइड बराबर है, तो क्या लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा एस आर। तो इस तरह क्या हुआ हमारा, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण एक में ही इसका मान लगाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू बराबर एक बटा दो बी डी, और इसे क्या नाम दे देंगे, समीकरण पाँच। अब समीकरण पाँच और समीकरण तीन से हम क्या देखते हैं, समीकरण तीन व समीकरण पाँच से पी एस बराबर है एक बटा दो बी डी के, और ये भी पी क्यू क्या है, बराबर है एक बटा दो बी डी के। तो यहाँ पर राइट साइड बराबर है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, पी एस बराबर हो जाएगा पी क्यू के। यानी कि हमने क्या किया, पी एस किसके बराबर हो गया हमारा, पी क्यू के। तो हमें क्या मिल गई, ये दो आसन्न भुजाएं बराबर मिल गई, यानी कि इसके सामने की भी भुजा बराबर हो जाएगी और इसके सामने की भी भुजा बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक आसन्न भुजा है, और आसन्न भुजाओं ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः इसलिए
इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, और क्यू आर बराबर होगा आर एस के, और आर एस बराबर होगा एस पी या पी एस के। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, समचतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना था, समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसकी हमने चारों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी और आमने सामने की भुजाएं क्या है, समांतर हमने सिद्ध कर दी है। तो इस तरह क्या हो गया, ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, एक समचतुर्भुज है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल लगाएंगे।